हेलो हाय, कैसे कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरी वन इज गुड. तो मैंने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था दैट आई एम रीडिंग अ बुक ऑन अघोरी, राइट? ओ गॉड, दैट इज सो फैसिनेटिंग बुक. मतलब आई एम सो ओवरवेल्ड वाइल रीडिंग इट. इट्स अमेजिंग. शुरू में थोड़ा सा, जब तक राइटर बता रहा होता है किसके बारे में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, बट वेन यू कम ऑन द ओरिजिनल स्टोरी, आई एम सो काइंड ऑफ ग्लूड टू द बुक राइट नाउ. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी किताबें पढ़ना. जिसने पढ़ी है, आई थिंक द पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और जिसने नहीं पढ़ी और जिसको रीडिंग का शौक है, वो प्लीज़ वॉश, लाइक जस्ट जस्ट रीड दिस बुक. एंड अभी तो मैंने कुछ ही पेज पढ़े हैं, लाइक ओरिजिनल स्टोरी के, विमलानंद के जो मेन कहानी है उसके. एंड आई वाज लाइक, व्हाट, गुड, वेरी गुड. एंड द सेकंड थिंग इज, मैंने आपको बोला था कि मैंने गार्लिक और अनियन कुछ दिनों के लिए छोड़ा हुआ है. सही गलत की तो बात ही नहीं करते, चलो वो तो आपकी अपनी चॉइस है ना. पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो जंक फूड का क्रेविंग था ना, कि मुझे, लाइक आई लव पंजाबी फूड, मुझे दाल मखनी, दाल तड़का, ये तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. मतलब अगर आप मुझसे बोले कि मेरा फेवरेट खाना क्या है, तो मैं बोलूँगी पंजाबी फूड. वो जो दाल मखनी पे बटर डाल के देते हैं ना, आह, माइंड ब्लोइंग. दाल चावल, दाल मखनी, फ्राइड राइस, जीरा आलू, मतलब सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर मेरे मुंह में पानी आ गया. तो मैंने नोटिस किया है, जब से मैंने लहसुन और प्याज छोड़ा है, मेरी जो क्रेविंग है ना जंक फूड की, वो ऐसे शांत हुई है, इस तरह से, मतलब इट जस्ट काम डाउन, कि जैसे कभी थी ही नहीं. नहीं तो मैं हमेशा ढूंढती रहती थी कि मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं, कैसे कंट्रोल करूं, कैसे कंट्रोल करूं, बिकॉज ऑफकोर्स आई कांट ईट दीज ऑल थिंग्स एवरी डे. नो वन कैन ईट, राइट? इट्स हार्मफुल. आप डेली डेली चीज़ बटर और फ्राइड खाना नहीं खा सकते हो. सो इट्स गोइंग सो गुड, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. एंड मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में ना कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए. हमारी जो इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो. जैसे कि मुझे जो कंट्रोल करना है अभी, वही है मेरा, मतलब ये जो क्रेविंग होती है मुझे अलग अलग तरीके के खाने पीने की, मुझे उस पर कंट्रोल करना है. एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मुझे कंट्रोल करना है, बट आई विल गो वन बाय वन. सो दिस इज इट. सो या, दिस वॉज अपडेट फॉर द डे. दैट बुक इज अमेजिंग, रीड इफ यू कैन. और दिस अनियन गार्लिक को जो छोड़ने का मेरा था डिसाइड, जो मैंने किया था, आई थिंक इज टर्निंग आउट रियली गुड, मुझे ऐसा लगता है. एंड लेट्स सी, अभी तो मैंने सिर्फ 11 दिन का बोला था, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ा आगे कर ले जाऊँ. आई विल कीप अपडेटिंग यू. ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम हमारा जो सोल की ग्रोथ के लिए हम करते हैं, हमारा सोल फूड है ये. आप बॉडी बनाते हो, जिम जाते हो, आप अच्छी हेल्दी चीज़ें खाते हो तो बॉडी बनती है ना, हेल्दी बनते हो आप. अच्छे कपड़े खरीदते हो, अच्छा मेकअप खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, एक्सेसरीज खरीदते हो, बैग खरीदते हो, शूज़ खरीदते हो, जस्ट टू मेक अ अपीयरेंस गुड, यू फील गुड. लेकिन देयर शुड बी समथिंग, द ग्रूमिंग ऑफ द सोल एज वेल, मुझे ऐसा लगता है. एंड मेरे लिए ये सब चीज़ें जो हैं, ये मेरे सोल ग्रोथ एंड सोल ग्रूमिंग के लिए उसका एक हिस्सा है. तो मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ कि मैं ऐसी और कौन सी चीज़ें कर सकती हूँ, वेयर आई कैन ग्रूम माई इनर सेल्फ. एंड आई थिंक इट्स वर्किंग. सी या, अगला अपडेट क्या होगा, लेट्स सी. मुझे भी नहीं पता अभी तो. बाय.